आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, बीजेपी बैठक का पहला सत्र खत्म हो गया है। भोपाल से खबर आपको बता रहे हैं, जहां बीजेपी बैठक का पहला सत्र खत्म हो चुका है और अब संभागवार टेबल पर चर्चा की जाएगी। तो बूथ को मजबूत करने पर इस बैठक में रणनीति तैयार की गई है। हर जिले के पदाधिकारी से 1-to-1 चर्चा की गई। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, बीजेपी बैठक का पहला सत्र खत्म हो गया है और अब संभागवार टेबल पर चर्चा की जाएगी। तो बूथ को किस तरह से मजबूत किया जाए, इस पर फोकस इस बैठक में रहा। बूथ को मजबूत करने को लेकर रणनीति तैयार की गई और हर जिले के पदाधिकारी से 1-to-1 चर्चा भी की गई। और एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी ने इस बैठक का जायजा लिया। भारतीय जनता पार्टी का आज बड़ी महत्वपूर्ण बैठक है। पहला सत्र संपन्न हुआ और पहला सत्र के बाद अब दूसरा सत्र इस तरह है कि अलग अलग 1-to-1 चर्चा करना है, जिसमें अलग अलग प्रभारी बनाए गए। जैसे ये जो जोन है, इसके प्रभारी समझ आ रहे हैं, मोहन यादव जी यहाँ बैठे हुए हैं और तमाम लोग सामने, कविता जी खड़ी हुई है भारतीय जनता पार्टी की महामंत्री, और एक एक व्यक्ति से पूछा जाएगा कि आप किस तरह, आपका काम है बूथ पर कितना काम हो रहा है। ये देखिए, आप एक अलग तरह की रणनीति के साथ बीजेपी बढ़ रही है। इसमें क्या जानकारी, बीजेपी में ऐसा है कि कोई बात भी आप देखिएगा, ये एक टेबल है, लेकिन इस एक टेबल के अलावा बाकी अलग अलग टेबल भी लगाई गई है। तो हर टेबल पर लोग मौजूद रहेंगे और इस तरह अलग अलग टेबलें लगाई गई। क्या होगा इस पर, क्या चर्चा? सर, अभी मीडिया से हम लोग बात नहीं कर सकते। मैं मीडिया से अभी इस मीटिंग के बाद बात करते हैं, लेकिन हमारा मीटिंग चल रहा है अभी। ये मीटिंग का मतलब क्या है अभी बात करें? ये दूसरा सत्र है। जबनी हमारा संगठनात्मक चर्चा है, अभी बाद में बात करेंगे। क्या करने वाले आप लोग, क्या चर्चा करने वाले? अब अभी तो बैठक में पता चलेगा क्या है। कौन लेगा ये बैठक, सांसद जी लेंगे? अभी जिले वाइज हमको बैठना है, क्या होगा संगठन में पता चलेगा अभी क्या होने वाला है। आप क्या इसकी प्रभारी? अभी तो ऐसा कुछ निश्चित नहीं है कि कौन प्रभारी है, क्या है, अभी सब सुनिश्चित होने वाला है। तो आप देखिएगा, यही बीजेपी है और बीजेपी के इसीलिए कहते हैं कि बीजेपी एक अलग तरह का संगठन होता है, इसमें कोई कुछ अब बोलेगा नहीं। और जी प्लीज सहयोग करें, अभी ये बैठक चल रही है इसलिए प्लीज। तो आप देखिए, सहयोग करने के लिए कहा गया है कि सहयोग करें, यहाँ कोई बात नहीं होगी। और ऐसी अलग अलग टेबलें लगाई गई है, हर टेबल में चर्चा होगी और जिसमें इसमें क्या होगा। ये जो बैठक है, शुद्ध रूप से जिले के संगठन की दृष्टि से प्रबंध समितियां हैं जो निर्णय लेने हैं, तो उसमें सारे कामकाज होंगे। जैसे कि हम एक जितने सीनियर लीडर्स हैं हमारे पुराने पूर्व, उनको सूचीबद्ध करेंगे जिनको पार्टी के काम में लगाया जाए, पहला काम। दूसरा, अंत्योदय समितियाँ बनना है, उनका नाम निकालेंगे। तीसरे, संगठन के हमारे गठन है, विभिन्न मोर्चे प्रकोष्ठ, उनका निर्णय मतलब वो करेंगे। ऐसा कुल मिला के पूरा खाका तैयार। बूथ पे जाने की तैयारी, बूथ की है ना, और सबसे प्रमुख काम जो हमारे जो बूथ विस्तारक योजना है उसका इम्प्लीमेंटेशन भी 5 और 6 को हमारे कार्यशालाएँ होने जा रही है, तो उसके हमारे जो मंडल विस्तारक अभी है उनकी कार्यशाला होगी, फिर हमारे नगर ग्राम केंद्र है उनकी होगी बाद में, लेकिन ये श्री गणेश 5 और 6 तारीख से। बहादुर मुकाती, मैं सीहोर जिले का प्रभारी हूँ देवास से। चलिए, सीहोर जिले के प्रभारी है बहादुर मुकाती और ऐसी अलग अलग बैठकें यहाँ चल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में यही बहुत अलग दिखाई देता है कि पहला सत्र संपन्न हुआ, लेकिन पहला सत्र के साथ अब ये दूसरा सत्र होगा और इन अलग अलग सत्रों में बहुत कुछ दिखाई देगा। रामपाल जी, क्या होने वाला है? संभागवार बैठकें चल रही हैं, पूरे आने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार होगी। आगामी कार्यक्रम जो दिए गए उनकी तैयारी के लिए हम बैठक कर रहे हैं संभागवार। अब इसमें निर्णय होगा, प्रदेश संगठन को निवेदन करेंगे। संभागवार बैठक है, बाकायदा हाथ में एक एक सूची भी इस तरह की रहेगी। इस सूची में तमाम तरह की बातें लिखी होंगी, जिसमें कैसे भाजपा को आगे बढ़ना है और आगे बूथ पर जाकर कैसे मजबूती दिखाना है। दरअसल बीजेपी का ये प्लान है कि 51% वोट शेयर बढ़ाया जाए, उसके लिए 10 बूथ और 100 दिन का टाइम दिया गया, 100 डेज का टाइम दिया गया है, जिसमें काम करना होगा।
लेकिन यही बीजेपी की रणनीति का हिस्सा है और इसीलिए बीजेपी पार्टी विद डिफरेंस कहलाती है। आशीष खरे के साथ मनोज सिन्हा, बसल भोपाल।